हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो भी स्टूडेंट एमएससी कर रहे हैं थर्ड सेमेस्टर में, उनको क्या मिलती है, फोटो केमिस्ट्री मिलती है। तो फोटो केमिस्ट्री के कुछ बेसिक कंसेप्ट जो आपसे पूछे जाते हैं और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आपके इंटरनल एग्जाम होते हैं या आपके एक्सटर्नल एग्जाम होते हैं तो जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं उसमें आपको ये जो मैं आज आपको टॉपिक करवा रही हूँ कुछ कंसेप्ट वो पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज कर लेना है और अपने नोट्स को प्रिपेयर करते जाना है। प्लेलिस्ट मैंने ऑलरेडी बना रखी है फोटो केमिस्ट्री के नेम से, आप वहां जाकर सारे टॉपिक देख सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो आपको लाइक करनी है, शेयर एंड कमेंट से मुझे जरूर बताना है। तो आज सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। फर्स्ट आ जाएगा आपका एब्जॉर्प्शन जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, एब्जॉर्प्शन को हिंदी में क्या कहते हैं, किसी चीज को अवशोषण करना। तो चलिए देखते हैं एब्जॉर्प्शन में क्या लिखना है आपको। अगर आपका वेरी छोटे शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है तो थोड़ा आपको लेंथ नहीं लिखना होता है। ठीक है ना, वहन रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ इन यूवी विजिबल रेंज फॉल अपॉन सर्टेन सब्सटेंस कंटेनिंग पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और बोथ या दोनों। जब कोई रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ क्या होती है, यूवी विजिबल रीजन में फॉल होती है किसी सब्सटेंस पर, तो वो क्या कंटेन करता है, पाई इलेक्ट्रॉन कर सकता है, मल्टीपल बॉन्ड कर सकता है, मल्टीपल बॉन्ड मतलब सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन दोनों कर सकता है। सब्सट्रेट मॉलिक्यूल अब्सॉर्ब देम एंड जंप इनटू हायर एनर्जी लेवल एंड मॉलिक्यूल गेट एक्साइटेड। और क्या होता है, जो मॉलिक्यूल से वो अब्सॉर्ब करता है एनर्जी और क्या कर लेता है, वो हायर जो लेवल होता है, हायर एनर्जी लेवल, उसमें जंप कर जाता है। ठीक है, और मॉलिक्यूल किसमें चला जाता है, वो एक्साइटेड स्टेट में आ जाता है, ग्राउंड स्टेट से वो एक्साइटेड स्टेट में जंप कर जाता है। दिस फिनोमिना एज अ रिजल्ट ऑफ विच मॉलिक्यूल्स गेट एक्साइटेड इज आल्सो नोन एज एब्जॉर्प्शन। जो ये घटना होती है कि जो मॉलिक्यूल्स क्या होता है, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाता है और एक्साइटेड हो जाता है, इसी पूरी फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन कहते हैं। तो फिर आपको एक ही आपको डायग्राम बना लेना है एब्जॉर्प्शन का। ठीक है, ये क्या है, ए बी सी शो एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन। जैसे आपका ए बी सी, ये क्या है आपकी, ये आपकी वेवलेंथ है। तो यहां से कोई जो आपकी वेव होती है वो क्या गई है, ग्राउंड स्टेट से आपके एक्साइटेड स्टेट में जाती है। तो यही दिखाया गया है, ए बी सी शो एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन। मॉलिक्यूल्स इन हायर एनर्जी स्टेट ऑल्सो नोन एज एक्साइटेड मॉलिक्यूल। जब मॉलिक्यूल हमारा ग्राउंड स्टेट से कितने जाता है, एक्साइटेड स्टेट में चल जाता है, तो उसको हम कहते हैं एक्साइटेड मॉलिक्यूल। विच आर वेरी अनस्टेबल एंड हैंस आर हाईली रिएक्टिव। ये क्या होता है, वेरी अनस्टेबल है और हाईली रिएक्टिव होता है। दे रेडिली कन्वर्ट इंटू प्रोडक्ट और कम बैक टू ग्राउंड स्टेट बाय केमिकल प्रोसेस। फिर क्या होता है, ये कन्वर्ट हो जाता है प्रोडक्ट में और कम बैक वापस आ जाता है ग्राउंड स्टेट में। ठीक है ना, डिसोशिएट प्रोसेस आइसोमराइजेशन और रीज और रेडिएशन थ्रू अ प्रोसेस लाइक अ फ्लोरोसेंस फॉस्फोरोसेंस वाइब्रेशन कैस्केड एटसेट्रा। जो फ्लोरोसेंस और फॉस्फोरोसेंस है ये मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगी। ये जेब्रोनस के डायग्राम जो आपने पढ़ा होगा, मैंने ऑलरेडी वीडियो वैसे अपलोड कर रखी है, आप वहां देख सकते हो। ये दोनों टर्म जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपका जो एब्जॉर्प्शन वाला टॉपिक है ये आपका हो जाता है कम्प्लीट। ठीक है ना, अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो आपका आएगा एक्साइटेशन। एब्जॉर्प्शन और एक्साइटेशन एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में, क्योंकि ये पूछ लिया जाता है। अब आ जाता है आपका एक्साइटेशन। देखिए एक्साइटेशन में होता क्या है, सिंपल सी डेफिनेशन कहूँ तो द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग फ्रॉम अ ग्राउंड स्टेट टू एन एक्साइटेड स्टेट बाय एनर्जी एब्जॉर्प्शन। एक्साइटेशन क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें आपका क्या होता है, चेंजिंग होता है किसी भी ग्राउंड स्टेट का एक्साइटेड स्टेट में। ठीक है, किसके थ्रू, बाय एनर्जी एब्जॉर्प्शन, तो उसको हम कहते हैं एक्साइटेशन। जब हम एक्साइटेड स्टेट क्या कहते हैं कि जब मॉलिक्यूल ग्राउंड स्टेट से एनर्जी एब्जॉर्ब करके वो ऊपर चल जाता है एक्साइटेड स्टेट में, तो हम कहते हैं कि वो मॉलिक्यूल एक्साइटेड हो गया, मतलब एक्साइटेशन हो गया। इनिशियली ऑलमोस्ट ऑल द मॉलिक्यूल्स आर इन लॉस्ट वाइब्रेशन लेवल ऑफ ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट एस जीरो मान लिया है। ठीक है ना, डायग्राम देखेंगे। After the absorption of radiation, the excitation occurs so rapidly that nuclei do not have time to alter their relative position. Consequently, S1 state, जो आपकी excited state है, is reached which have excess of vibrational energy, and this energy is rapidly dissipated through molecule collision. इसे कहते हैं vibration cascade. जैसे आपको ये डायग्राम यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है ना, यहाँ आपके आपका क्या है, ये इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस एंड ये एनर्जी। यहाँ पे आपका क्या है, ये आपकी स्टेट है, जैसे V0, V1, V2, V3, V4, यहाँ से मॉलिक्यूल क्या हुआ, ग्राउंड स्टेट से ऊपर गया तो एक्साइटेशन में हो गया, मतलब एक्साइटेड स्टेट में चला गया। यहाँ पे आपकी वाइब्रेशन कास्केड दिखा रखी है, फ्लोरोसेंस आपको शो कर रखा है, तो ये आपका क्या हो जाता है, एक्साइटेशन की द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग फ्रॉम अ ग्राउंड स्टेट टू एन एक्साइटेड स्टेट बाय एनर्जी एब्जॉर्प्शन।
तो मैं स्टार्टिंग से आपको दिखा रही हूँ, आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज कर लेना है और अपने नोट्स को प्रिपेयर कर लेना है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आप देख सकते हो लैंग्वेज कितनी ज़्यादा इजी है, ठीक है ना। लैंग्वेज बहुत ही ज़्यादा इजी है और आप फोटो केमिस्ट्री की, केमिस्ट्री से रिलेटेड, आप एम एस सी कर रहे हो केमिस्ट्री से, जितने भी टॉपिक है आपको इजीली मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में आप जाकर देखोगे सारे आपको इजीली मिल जाएगी, काफ़ी ज़्यादा इजी लैंग्वेज में।